each one of our sitting here. बहुत अच्छा लग रहा है. मैंने लिटरली सोचा नहीं था कि ऐसा इवेंट कभी होगा जम्मू एंड कश्मीर में विद सच रिलैक्स्ड रूल्स. बट व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट इट, मैंने रजिस्टर किया. एंड देन आप जब आप रजिस्टर करते हो, यू डोंट थिंक अबाउट विनिंग, आप पार्टिसिपेशन एक्सपीरियंस का सोचते हो. एंड दिस वॉज दी बाय फार दी बेस्ट एक्सपीरियंस दैट आई एवर हैड इन माई लाइफ. आज जीतकर I feel very proud of myself and I am making sure that I have this confidence forever and I make my state proud when I move ahead for further pageant. And yes, that's it. I'm very happy, very excited, lot nervous if I'll be able to pull it off, but let's see what happens. Main to bahut khushnasib manta hu apne aap ko ki mere ko bhi ye privilege and honor mila to judge the talent from Jammu. Main Jammu se hi hu, maine padhai yahan kari hai and aaj jis level ka talent tha it's impeccable. All the contestants were so good, to isliye thodi dikkat hui best pick karne mein par kar li. Yeah, since aap yahin se aur aapne apna naam banaya hai Bollywood mein, ji bahut badi badi pictures mein aapne ji किया है. जी तो किस तरह देखते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले आतंकवाद के लिए, पत्थरबाजी के लिए जो जाना जाता था जम्मू कश्मीर, आज यहाँ इस तरह मिस यूनिवर्स हो रहा है. जी मुझे आपका ये सवाल बहुत ही अच्छा लगा. एक्चुअली यू आर राइट, जो जम्मू कश्मीर का रेप्यूटेशन है वो कंट्री में या ग्लोबली जनरली टेररिज्म से ही लोग इसको जोड़ते हैं या पत्थरबाजी जैसे आपने बोला. पर अब बिकॉज इतनी खूबसूरत स्टेट है, इतना टैलेंट है एंड लोग इतने दमदार है, सो आई थिंक दैट्स व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मिस यूनिवर्स आर कमिंग हियर आल्सो एंड ट्राई टू पिक टैलेंट. सो ये बहुत अच्छी बात है, हर एक को मौका मिलना चाहिए क्योंकि एंटरटेनमेंट, आर्ट, सिनेमा, पैजेंट्स, इट्स ओपन फॉर एवरीबॉडी. दैट्स द आइडिया कि आप जो सबसे बेहतरीन टैलेंट है उसको पिक करें.